नमस्ते दोस्तों, आज हम हमारे इस वीडियो के अंदर ऑटो पार्ट्स पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। ऑटो पार्ट्स के अंदर कोई भी शॉप हुई, बहुत सारी इन्वेंट्री होती है, छोटे छोटे पार्ट होते हैं और अलग अलग व्हीकल के मॉडल होते हैं, उसके हिसाब से उसकी चेन असेंबली भी अलग होती है, गियर असेंबली भी अलग होती है और हर एक पार्ट की इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ता है। कस्टमर जब आए तब उसको तुरंत ही देना पड़ता है। उसके अंदर भी दो पार्ट हो जाते हैं कि भाई कोई लोग होते हैं होलसेल का काम करते हैं, कोई होते हैं वो रिटेल का काम करते हैं। तो ये दो सब रिक्वायरमेंट एक ही सॉफ्टवेयर में आ जाए, वैसा सॉफ्टवेयर आज हम लॉन्च कर रहे हैं, ऑटो पार्ट्स सॉफ्टवेयर। स्टॉक मैनेजमेंट भी हो जाएगा आपका और सब डिटेल इसके अंदर मैनेज हो जाएगी। तो वो सॉफ्टवेयर के बारे में आज हम देखते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा सुपर ईआरपी सॉफ्टवेयर जो सुपर स्पीड से चलता है और कितनी सारी इन्वेंट्री हो ऑटो पार्ट्स की, सब डेटा आप एक्सेल की शीट के अंदर सबसे पहले ले लो और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये आइटम्स करके आइकन लगा हुआ है, यहाँ पर सब प्रोडक्ट आप एक्सेल की शीट में से यहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ये बटन दिया गया है, यहां से आप पूरा डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल की शीट में से और एग्जिस्टिंग डेटा को एक्सेल की शीट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। हम एक आइटम ले लेते हैं, यहां पर ये देखिए, ये प्रोडक्ट ले ली, तो ये प्रोडक्ट कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट, कौन से व्हीकल मॉडल पे लगेगा वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी ग्रुप में आता है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका HSN कोड क्या है, उसका पार्ट का नंबर क्या है, पार्ट के नंबर से भी, क्योंकि काफी सारे पार्ट होते हैं समझ में नहीं आता है जब ऑर्डरिंग भी करने का होता है तब, तो ये पार्ट नंबर से भी पार्ट आप डाल सकते हो। यहाँ पर उसका परचेज प्राइस डाल दिया, सेल प्राइस, MRP सब डिटेल डाल दी, डिस्काउंट वगैरह यदि रिटेल का काम है तो वो भी आप डाल सकते हो, आइटम का एडिशनल डिस्क्रिप्शन और उसका बारकोड, एग्जिस्टिंग बारकोड हो तो वो भी स्कैन करके डाल सकते हो, ताकि यदि सिर्फ रिटेल का काम है और पॉइंट ऑफ सेल से फटाफट बारकोड स्कैन करके इनवॉइसिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हो। GST के सभी टैक्स मॉड्यूल इसके अंदर दिए गए हैं, कोई भी जो भी टैक्स लगता है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बाद में जाके कभी भी आइटम को एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा आइटम मास्टर का स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं यहां पर, ये देखो, ये अकाउंट से, अकाउंट के अंदर हम सब टाइप के अकाउंट यहां बना सकते हैं और यहीं पर से हम लेजर भी बना सकते हैं कोई भी कस्टमर के नाम का। जैसे हम एक लेजर देख लेते हैं रमेश भाई, तो ये देखो रमेश भाई का पूरा एड्रेस डाल दिया यहाँ पर, उसका मोबाइल नंबर डाल दिया, GST नंबर डाल दिया, सब डिटेल आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर ही हम लेजर देखना चाहे तो ये देखो नीचे लिखा हुआ है शो लेजर, तो यहाँ F8 बटन प्रेस करने से हमको कस्टमर का पूरा लेजर भी दिखता है यहीं पर से, कि इसके कितने इनवॉइस बने हुए हैं और कितनी रिसिप्ट उसकी आई हुई है। जो लेजर के अंदर से हम यहाँ पर डबल क्लिक करने से सीधा इनवॉइस के अंदर भी सीधा जूम इन जूम आउट का यूटिलिटी अवेलेबल है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये अकाउंट हो गया, अकाउंट में से कस्टमर को SMS वगैरह भी हो जाता है। अब हम चलते हैं सेल्स पार्ट के अंदर, ये देखो मैं सेल्स इनवॉइस बनाना है, मैं सेल के ऊपर चला गया, न्यू का बटन दबाया, यहाँ पर डेट आ जाती है, कस्टमर कैश क्रेडिट क्या परचेस कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लिया, यहाँ कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर लिया, नाम नहीं है लिस्ट में तो हम प्लस दबा के यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। नाम सिलेक्ट करते ही यहाँ पे कस्टमर का पुराना लेजर बैलेंस, GST नंबर, उसने पैसे लास्ट में कितने दिए थे वो सब डिटेल आ जाती है, हमको एंटर दबाना है। ये देखो चेसिस नंबर आ गया, भाई रमेश भाई कौन सा व्हीकल लेके आए हैं उसका चेसिस नंबर डालना है तो डाल सकते हैं, व्हीकल नंबर उनका डालना है तो हम डाल सकते हैं और कौन से मॉडल के लिए उनका बिलिंग बन रहा है तो वो मॉडल भी हम डाल सकते हैं, एंटर एंटर कर दिया। नरेशन में कुछ लिखना है तो लिखा, वरना यहाँ आइटम नेम पे आ गए। यहाँ पे आप बारकोड भी स्कैन कर सकते हो, पार्ट का नंबर भी डाल सकते हो, ये देखो ये पार्ट का नंबर आ गया, तो इस तरीके से आप पार्ट के नंबर से भी आइटम को सर्च कर सकते हो। आइटम का नाम लिख दिया, जैसे ऑयल फिल्टर, तो ऐसे नाम लिखने से भी सर्च होता है, या आपने लिख दिया 3-1S, तो ये इस तरीके से ये
ये सर्च होता है पार्ट नंबर से भी सर्च होता है, एग्जॉट गास्केट किसका जीएसटी टैक्स नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। क्वांटिटी डाल दी भाई, दो पीस चाहिए, उसका रेट जो भी आ गया। आप यहाँ पर रेट एडिटिंग भी कर सकते हो, यहाँ पर डिस्काउंट देना है तो दे सकते हो, इस तरीके से पूरा इनवॉइस बन जाता है। एडिशनल डिस्काउंट वगैरह देना है आप यहाँ से दे सकते हो, और फिर ये सेव हो गया। तो इस तरीके से इजीली इनवॉइस सेव हो जाता है, प्रिंट के अंदर ओरिजिनल डुप्लीकेट ट्रांसपोर्ट कॉपी भी निकालने की सुविधा है, प्रीव्यू ईमेल भी कर सकते हो आप इनवॉइस को। यहाँ पे हम प्रीव्यू देख लेते हैं, ये देखो दोस्तों हमारे कंपनी का नाम आ गया, कस्टमर की पूरी डिटेल स्टोर हो गई, पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन ये डिटेल आ गई यहाँ पर, चेसिस नंबर व्हीकल नंबर मॉडल नंबर की डिटेल आ गई। और यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो ये देखो ये फुटर के अंदर ये पूरा CGST SGST बाइफरगेट होके आ जाता है। तो इस तरीके से पूरा इनवॉइस बन जाता है, हम छोटा करके दिखा देते हैं आपको, ये देखो ये जूम इन। तो इस तरीके से पूरा A4 साइज का इनवॉइस हो गया, हाफ A4 हो गया, A5 साइज का कैसा भी इनवॉइस चाहिए आपको इसी सॉफ्टवेयर में से बन जाता है। यहाँ से आप व्हाट्सएप PDF भी बना सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। तो ये हमारा सेल्स इनवॉइस हो गया, जो कि आपने देखा पार्ट नंबर वाइज बारकोड वाइज सर्च होता है। सेल करने के लिए सीधा बारकोडिंग से पॉइंट ऑफ सेल भी स्क्रीन है, यहाँ पर आप सीधा बारकोड सर्च या सटासट स्कैन करके इनवॉइसिंग कर सकते हो। और कस्टमर कैश दे रहा है, कार्ड से दे रहा है कि पेटीएम वगैरह से पेमेंट कर रहा है, वो सब ऑप्शन भी हमने यहाँ पर दिए हैं। डिस्काउंट वगैरह भी चालू इनवॉइस में ही आप कर सकते हो। इनवॉइस को होल्ड रखने की भी यूटिलिटी इसी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है दोस्तों। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये परचेज में चला गया। परचेज के अंदर जाकर हम कोई भी पार्ट का जिस पार्टी के पास से परचेजिंग करते हैं वो परचेजिंग की डिटेल डाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्विक पेमेंट है, सप्लायर को पेमेंट करना है उसकी डिटेल आ गई। क्विक रिसिप्ट में चले जाते हैं, एंटर कर दिया भाई रमेश भाई नाम सिलेक्ट कर लिया तो उसकी पूरी डिटेल देखो यहाँ पर भी आ जाती है, उसका क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाता है। एंटर कर दिया भाई उस कस्टमर ने 25,000 रुपये दिए, रिमार्क में कुछ डाल दिया तो इस तरीके से रिमार्क भी ऐड हो जाता है और इसकी प्रिंट भी यहाँ पर निकल जाती है दोस्तों। तो ये रिसिप्ट हमने बना दी इसी सॉफ्टवेयर के अंदर। अब हम आगे चलते हैं, JV एंट्री है, बैंक एंट्री भी बना सकते हैं। यहाँ अकाउंट में जाकर यहाँ न्यू में बैंक ऑफ बड़ौदा, हमारे बड़ौदा का बैंक है तो ये डाल दिया, कौन से स्टेट में ये पड़ता है वो डाल दिया, सेव कर दिया। तो बैंक का डिटेल डाल सकते हैं, यहाँ बैंक एंट्री में जाकर चेक कैश ऑनलाइन ट्रांसफर सब यूटिलिटी हमने दी हुई है, मतलब कि पूरा अकाउंटिंग ये सॉफ्टवेयर में मैनेज हो जाता है। GST वाउचर बन जाता है जो एक्सपेंसेस रिलेटेड आते हैं, कैश बुक आउटस्टैंडिंग के अंदर कस्टमर का सप्लायर का जो भी पैसा बाकी है वो आ जाता है, और यहीं से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस तरीके से कि भी आपका इतना पैसा बाकी है, SMS भी आप यहीं से कर सकते हो दोस्तों। लॉग बुक लेजर कैश समरी ट्रायल बैलेंस ये सब चीज़ें यहाँ पर ही अवेलेबल है। अब हम मेन मेनू में चलते हैं, मास्टर्स के अंदर अकाउंट आ गया, उसमें सिटी एरिया मास्टर है, आइटम मास्टर, ग्रुप मास्टर, कंपनी मास्टर, और यहाँ पर ये चेकबुक सेल टाइप परचेस टाइप और कंपनी इन्फो के अंदर ये सब डिटेल है जो हम कभी भी खुद ही एडिट कर सकते हैं दोस्तों। हमारा GST नंबर बैंक की डिटेल वगैरह भी हम यहाँ डाल सकते हैं और कभी भी उसको खुद ही एडिटिंग कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन के अंदर चले गए, सेल सेल चलन सेल्स रिटर्न सेल्स ऑर्डर परचेज परचेज चलन परचेज रिटर्न जो कि अपना डेबिट नोट हो जाता है, परचेज रिटर्न चलन परचेज ऑर्डर डेबिट नोट क्रेडिट नोट कोटेशन फाइनेंशियल वाउचर GST वाउचर पेमेंट रिसीप कॉन्ट्रा एंट्री बैंक एंट्री। तो इतनी एंट्रीज मतलब पूरा सब डेटा इसके अंदर आप मैनेज कर सकते हो ये सॉफ्टवेयर में। रिटेल होलसेल दोनों के लिए एक ही सॉफ्टवेयर लगेगा और मल्टी कंपनी आपकी है तो वो भी इसी सॉफ्टवेयर में हो जाता है। रिपोर्ट्स में फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट से लेकर के डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस तक सब रिपोर्ट है। एजिंग एनालिसिस भी है, डे बुक कैश समरी मंथली समरी का रिपोर्ट्स है और MIS का पूरा एनालिसिस, जैसे सेल रजिस्टर हो गया परचेज सेल समरी हो गई POS परचेज रजिस्टर्स के रिपोर्ट परचेज समरी के रिपोर्ट ये सब भी पूरा अवेलेबल है।
स्टॉक रिपोर्ट पूरा अवेलेबल है, कंपनी वाइज देखना है, ग्रुप वाइज देखना है, मॉडल वाइज देखना है, तो वो पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। कस्टमर का भी पूरा डिटेल मिल जाता है कि भाई कस्टमर ने कितनी चीजें कितनी बार सर्विस करवाई, क्या क्या पार्ट उसको बेचा, वो सब डिटेल भी आ जाती है इसके अंदर ही। जीएसटी के भी सब रिपोर्ट है, जीएसटी आर 3 भी ले लो, डेट की रेंज दे दो, सीधा प्रिंट कर दो या एक्सेल में कन्वर्ट कर दो। जेसन फाइल बनाना हम डायरेक्टली रेकमेंड नहीं करते, वो अकाउंटेंट लोग ही करते हैं। यहाँ जीएसटी आर 1 में चले गए, ये देखो क्रिएट एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करने से आप मंथ सिलेक्ट कर लो और सीधा यहाँ पे देखो रेंज आ गया। जनरेट एक्सेल वर्क फाइल करने से पूरा डेटा अपने आप B2B B2C सब डेटा अपने आप क्रिएट हो जाता है। और ये देखो, ये आपको मैं पूरा शीट बता देता हूँ जो सॉफ्टवेयर में से जनरेट हो गई है। ये देखो B2C स्मॉल है, पूरा डेटा इस तरीके से आ जाता है दोस्तों जीएसटी के डिटेल के साथ। तो ये पूरा फॉर्म है जीएसटी आर 1 का, वो भी रेडी हो जाता है। सब रिपोर्ट यहाँ पर B2B B2C सब रिपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। जीएसटी फाइलिंग के लिए जीएसटी आर 3B 1, 2, 4, 8 जीएसटी आर 9 सब डिटेल हमने दी हुई है इसी सॉफ्टवेयर के अंदर। टूल्स के अंदर चले जाते हैं, कॉल रिकॉर्डर, किसी का सर्विस का या कंप्लेन का कोई डिटेल डालना है तो कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट की एंट्री यहाँ पर से ही हो जाती है। डिस्काउंट के सेटिंग्स है, रेट सेटिंग्स है, अलग अलग ऑप्शन सॉफ्टवेयर में दिए गए कि भाई मुझे नेगेटिव स्टॉक को अलाउ करना है कि नहीं करना है, कस्टमर की क्रेडिट लिमिट मुझे सेट करनी है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन मुझे कैसे करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से करना है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिक करना है, आइटम की वैल्यूएशन कैसे करनी है, नेट रेट के हिसाब से, बेसिक रेट के हिसाब से, परचेज रेट के हिसाब से, ये सब डिटेल भी आप खुद कस्टमाइज कर सकते हो अपने आप अपने हिसाब से जैसा चाहिए वैसा। दोस्तों हेल्प के अंदर चले जाते हैं, SMS टेम्पलेट है, आप API को मैप करके यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए सेल परचेज आप कस्टमर को सीधा SMS चला जाता है, आउटस्टैंडिंग सब चीजों का मैसेज यहाँ पर आप अपने आप खुद टेम्पलेट सेट कर सकते हो। तो ये फीचर भी बहुत ही अच्छा है सॉफ्टवेयर का। टाइमलाइन रिपोर्ट है जहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई इनवॉइस को कब एडिट किया है, कब डिलीट किया है, वो सब डिटेल भी मिल जाती है। तो कुल मिलाकर सेल्फ डायग्नोस्टिक टूल में आखिर में जब कोई गलती होती है बैलेंस शीट वगैरह चेक करने में तो वो भी सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है। तो इस तरीके से पूरा सॉफ्टवेयर हमने बनाया हुआ है, पूरा डेटा में सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी रिपोर्ट आप एक्सेल में ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी डेटा आप एक्सेल में से कस्टमर सप्लायर आइटम का आप इम्पोर्ट भी कर सकते हो, रेट चेंज होता है वो सब डिटेल भी आप इसी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो दोस्तों। तो आज ही हमारी वेबसाइट पे चले जाओ billingsoftware.guru। billingsoftware.guru में आप रिटेल एंड होलसेल के कैटेगरी में ऑटो पार्ट्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर को आप यहीं पर से डाउनलोड कर सकते हैं। डेमो वर्जन जो कि फ्री में अवेलेबल है, आप पूरा डाउनलोड करो, हमने जो भी वीडियो में बताया सब चेक करो कि वैसा होता है कि नहीं, सब फीचर्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें दी जाती है उसकी पूरी डिटेल हमने यहाँ पर दी हुई है दोस्तों। और यहीं पर से आप पूरा यूजर मैन्युअल भी देख सकते हो, हमारी बेस वेबसाइट softwareketan.com के अंदर पूरा सॉफ्टवेयर का सब स्क्रीनशॉट के हिसाब से सब चीजें दी गई है। तो दोस्तों आज ही आप ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो, डेमो देखो, और कोई भी क्वेरी है आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर सब कॉन्टेक्ट की डिटेल भी हमने दी हुई है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सब काम की इन्फॉर्मेशन लगी आपको। यदि ऐसा लगता है कि ये सॉफ्टवेयर आपको काम लगेगा, आपके बिजनेस को बढ़ावा देगा और आपकी जरूरियातें मतलब कि आपका जो ऑडिटिंग वगैरह में जो काम टाइम ज़्यादा जल्दी चला जाता है वो टाइम आपका सेव हो सकता है, तो आप ये सॉफ्टवेयर जरूर से परचेस करो। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पे भी हो आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, जीएसटी के रूल्स कॉमन है और हम ऑनलाइन एकदम बढ़िया सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।